अगर आप चाहते हो कि आपने अटैच की हुई कार लोड अनलोड करते वक्त गायब ना हो तो आपको नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं तुषार और आप सभी का जीटी गेमिंग चैनल पर स्वागत है। तो यार, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोस शेयर नहीं कर पाया। इंस्टाग्राम पर मैंने कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी बताई है, तो कोई बात नहीं, अब लगभग सॉर्ट आउट हो गया है सब कुछ, तो मैं फिर से रेगुलर वीडियोस बना सकता हूं। तो आज के वीडियो में हम कार्गो प्लेन को कैसे इंस्टॉल करना है और उसे यूज़ कैसे करना है ये सीखने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। कार्गो प्लेन मॉड के लिए आपको इस फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करने से पहले आपको इसकी रिक्वायरमेंट भी चेक करनी है। ये दो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स है और ये हर मॉड के लिए जरूरी होते हैं, बस आपको एक बार ही इन्हें इंस्टॉल कर देना है। कुछ लोगों के लैपटॉप या पीसी में ये पहले से इंस्टॉल होते हैं, जिनके पास नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, बट आपको ये आपके पीसी या लैपटॉप के हिसाब से डाउनलोड करना है। आपको चेक करना पड़ेगा आपका पीसी 64 बीट है या 32 बीट, तो उस हिसाब से इसे डाउनलोड करना। सेम microsoft.net के लिए भी। तो मैंने कार्गो प्लेन की फाइल को डाउनलोड करके विनरार सॉफ्टवेयर के हेल्प से इसे एक्सट्रैक्ट कर दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आपको डाउनलोड की हुई फाइल के स्क्रिप्ट फोल्डर में से सभी फाइल्स को GTA 5 के स्क्रिप्ट फोल्डर में पेस्ट कर देना है। अगर आपने GTA 5 में स्क्रिप्ट फोल्डर नहीं बनाया है तो आपको ये पूरा स्क्रिप्ट फोल्डर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो मैं सभी फाइल्स गेम के स्क्रिप्ट फोल्डर में पेस्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। लीजिए, आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको गेम को ओपन करके दिखा देता हूँ। हम कार्गो प्लेन लोड करने वाले हैं तो बड़ी जगह चाहिए होगी, इसलिए मैं एयरपोर्ट पर आ गया हूँ। अब आपको शिफ्ट और सी को एक साथ प्रेस कर देना है। आप देख सकते हो ये कार्गो प्लेन का मेन्यू आ गया है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्पाउन अ कार्गो प्लेन, इससे हमारा कार्गो प्लेन लोड हो जाएगा। चलो मैं F9 से इसे ठीक जगह पर प्लेस कर देता हूँ। आपको कार्गो प्लेन से बाहर निकलना है तो आपको F प्रेस करना है। F प्रेस कर देने के बाद आप कॉकपिट में आ जाएंगे और इस छोटे से होल से हमें बाहर निकलना है। ये प्लेन का कार्गो डेक है, यहां से इसका नोज ओपन हो जाएगा। चलो आपको बाहर से दिखा देता हूं। यहां पर हमारा कॉकपिट है। आप नोज को ऊपर करके कार्स को नहीं लोड कर सकते, यहां कोई रैंप नहीं है। आपको रिलीज रेज रैंप ऑप्शन से रैंप को खोल देना है, ये ऐसा खुल जाएगा। मैंने पिछले गेम प्ले के वीडियो में इसे यूज किया था, आप उसे भी देख सकते हो, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, रिपेयर कार्गो प्लेन, एंटर कॉकपिट एज अ पायलट, इसे बाद में देखते हैं, पहले एंटर कॉकपिट एज अ को पायलट देखते हैं। इस ऑप्शन से आप प्लेन को नहीं चला सकते, आप सिर्फ कॉकपिट में बैठे रहेंगे। नेक्स्ट है एंटर कॉकपिट, इससे आप कॉकपिट में घूम सकते हो। चलो अब मैं आपको प्लेन में कार को लोड करके दिखा देता हूँ। आपको सिर्फ कार को रैम से अंदर लाना है और अटैच डिटैच ऑप्शन से इसे लोड कर देना है। इस प्लेन में कुल 15 कार्स अटैच हो सकती है। मैं इस कार को स्लॉट 1 में अटैच कर देता हूँ। आपको मैं एक और कार दूसरे स्लॉट में अटैच करके दिखा देता हूँ।
अब मैं इसे 6 नंबर स्लॉट पर अटैच कर देता हूँ। आप किसी भी स्लॉट में व्हीकल को अटैच कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपने अटैच की हुई कार लोड अनलोड करते वक्त गायब ना हो, तो आपको नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। आपको F9 प्रेस करना है। अब आपको हर कार के ऊपर जाकर राइट क्लिक कर देना है और सभी कार्स को डेटाबेस में ऐड कर देना है। पर ठीक से कभी कभी कार के बजाय प्लेन सिलेक्ट हो जाता है तो कार डेटाबेस में ऐड नहीं होती। ऐसा करने से अब आपकी कार गेम को बंद करने तक गायब नहीं होगी। अटैच डिटैच ऑप्शन से ही हम व्हीकल को कार्गो प्लेन से निकाल भी सकते हैं। और आज के शाउटआउट्स, फर्स्ट देवराना जो कि बहुत दिनों से मेरे सब्सक्राइबर रहे हैं। सेकंड शाउटआउट टू गेमर इंसान। अगर आपको भी शाउटआउट चाहिए तो मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना और साथ में ये भी बताना कि आज मैंने किसको शाउटआउट दिया है। कुछ कार्स कार्गो प्लेन में लोड नहीं होगी, जैसे कि ये टेरजो। इसका साइज बाकी कार से बड़ा है। जो कार ट्रेलर मोड में अटैच होती है वही कार कार्गो प्लेन में भी अटैच होगी, और जो उसमें नहीं होती वो कार्गो प्लेन में भी नहीं होगी। आप देख सकते हो प्लेन का साइज बड़ा है फिर भी ये कार नहीं लोड हो रही, क्योंकि मुझे लगता है ट्रेलर मोड और कार्गो प्लेन का मोड एक ही ढंग से बनाया है, तो आप बड़ी कार्स को दोनों में भी नहीं लोड कर सकते। चलो अब मैं रैम को क्लोज कर देता हूँ और इस प्लेन को पायलट की तौर पर उड़ाता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जिसने भी GT गेमिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी एट होम, स्टे हेल्दी।